रहा था। और आपका नाम क्या है? जो इनके धार्मिक शास्त्र है उसे लेके जाते थे, हिंदू को बहुत विरुद्ध लिख रखा है इन्होंने। तो हम 3 महीने से इनको वॉच कर रहे थे, दलित बस्तियों में जाके उनको कहते थे आपके बच्चों की फ्री शिक्षा होगी, महिलाओं को पुरुषों को नौकरी देंगे, आपका जीवन स्तर सुधर जाएगा, आपको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिलेंगी, आपको शिक्षा फ्री मिलेगी, आप सबको नौकरियां मिलेंगी। सब योजना बना बनूंगे आगे 150 करोड़ को करीब इकट्ठा कर ली। और वो आपने बैनर देखा है, मैंने आपको दिखाया फर्स्ट कन्वर्जन ऐसे करके उन्होंने दो अंगोलियां कन्वर्जन कर रहे थे। जब मैंने आके यहाँ विरोध किया और उनसे पकड़ा, उनका बहुत सारा ऐसा साहित्य मिला जो हिंदू देवता और हिंदू के बारे में अभद्र टिप्पणियां लिखी। रवि जी, ये क्या हुआ था यहाँ पे, किस तरह से चोट लगी आपके? भाई लोग आए थे, उन्होंने मारपीट करना चालू किया। यहाँ आप लोग क्या कर रहे थे? ईसा मसीह का सत्संग कर रहे थे। ईसा मसीह का सत्संग हो रहा था, बोले हिंदू देवताओं के खिलाफ कुछ लिखा था या कुछ बोल रहे थे? ऐसा नहीं है, धर्म परिवर्तन की बात। जो लोग आए थे वो हिंदू ही थे, हम भी हिंदू हैं। नहीं, धर्म परिवर्तन की बात आ रही है कि यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, ये गलत है। किसने कह दिया? तो यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ सत्संग कर रहे थे, ईसा मसीह की आराधना कर रहे थे बस। तो मारपीट? मारपीट, देखो प्रभु यीशु मसीह ने हमें मारपीट करना नहीं सिखाया, इसलिए हमने मारपीट नहीं करी। वो भाई लोगों ने हमारे साथ करा, ये हो शायद वो लोग सीखते हैं उन चीजों को। हमारे यीशु मसीह ने ये मारपीट करना नहीं सिखाया, ये हमारे सारे लोग थे। ये जो लोग आए थे वो आप बुला के लाए थे धर्म परिवर्तन के लिए, कैसे आए थे? सब अपनी मर्जी से आए थे, सबने चंदा इकट्ठा करा, पैसा इकट्ठा करा, अपनी मर्जी से सब लोग आए। कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि ये लोग धर्म का परिवर्तन करने के उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस पहुंची थी, दोनों पक्ष थाने पर आ गए हैं और पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे नियमानुसार कार्रवाई।